गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। पिछली क्लास में हमने हरिशंकर कश्यप की लिखी हुई कहानी संघर्ष पर, आइए अब देखते हैं महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी नीलकंठ। नीलकंठ कहानी में महादेवी वर्मा ने बताया है कि उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। इस कहानी में पशु पक्षियों से अधिक प्रेम और करुणा का भाव को दिखाया गया है। पशु पक्षी भी हमारी तरह ही संवेदनशील भी होते हैं और उनमें हमारी तरह ही सुख दुख प्रेम आदि का अनुभव होता है। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उस ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही मैंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे द्वारा कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों को के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चिड़ी मार मोर के दो बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसा मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे हमारा यह रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित तथ्य अर्थात कहानी से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण अर्थात छोटा कि वे पक्षी श्रावक अर्थात पक्षी के बच्चों को श्रावक कहते हैं, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ का भाषण मेल चल रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोड़ को जाड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बहुत कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर के कई खासियत भी हैं कि तू इतनी बड़ी कीमत वैसे ही मांगने चला है, पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अश्ता पश्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें, अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कर में रखा तब मानो वह जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी श्रावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने की बात मेरे छिड़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही, चिढ़ा दिए जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के लिए कमरे में उनका पिंजरा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते रहे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुले रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली, लेखिका की बिल्ली का नाम चित्रा था, इन नवागंतुकों जो नए मेहमान आते हैं उन्हें
का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद हो रहे और ये दोनों अरे गहरे मेरी मेज को अपने सिंहासन बना ले, यही स्थिति चित्रा अभिमानिनी मर्जारी के लिए असहाय ही कहा